चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है संडे और संडे के लिए आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आता हूं, जो कि होता है वन लाइनर करंट अफेयर का, जिसके अंदर हम 25-30 क्वेश्चंस हैं जो कि हम देखते हैं प्रीवियस वीक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, उसको वन लाइनर के सेक्शन के तौर पर हम इसको देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेक्शन के अंदर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ एक ऐसी न्यूज़ होती है जो कि PIB या फिर कई दूसरे सोर्सेज से आती है तो वो रह जाती है, तो उनको भी हम नहीं चाहते कि आपका वो रहे, इसीलिए हम उसको इस वाले सेक्शन में कवर अप करते हैं। डिटेल्स में नहीं चाहते क्योंकि आपके लिए एक रिविजन वीडियो है, पिछले वीक के अंदर क्या हुआ वो सब आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये आज का जो वीडियो है वो पिछले संडे से लेकर अब तक के सैटरडे तक का वीडियो, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मे की तरह आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोज हमेशा की तरह मिलते रहें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन विच सिटी द 15th वर्ल्ड रूरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। तो हाल ही में किस शहर में 15वां विश्व ग्रामीण स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये जो 15वां जो ये विश्व ग्रामीण स्वास्थ्य ये जो स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? न्यू दिल्ली आपका इसका सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी पेंशन योजना शुरू करी है? तो प्रवासी भारतीय दिवस तो होता ही था 9 जनवरी को हर साल, और इस बार क्या प्रवासी पेंशन स्कीम स्टार्ट करी, और ये किसने? केरला ने स्टार्ट करी है, यानी जो प्रवासी बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी पेंशन स्कीम के तहत फायदा मिलेगा। तीसरा है ऐतिहासिक स्मारक जिसे इसके रखरखाव के लिए अगले 5 वर्षों के लिए डालमिया भारत समूह द्वारा गोद लिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि डालमिया ग्रुप ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, उसको अडॉप्ट किया है, तो वो साइट कौन सी है जो कि 5 साल के मेंटेनेंस के लिए लिया है? तो ये कौन सी साइट है? रेड फोर्ट है दिल्ली के अंदर, तो उसको 5 साल के लिए गोद में लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इमिनेंट पोएट सितांशु यशचंद्र पोएट्री कलेक्शन वखार हैज बीन चोजन फॉर द सरस्वती सम्मान फॉर 2017, विच स्टेट ही बिलोंग्स टू। तो प्रसिद्ध कवि जो है सितांशु यशचंद्र, जिनका कविता संग्रह है बखार, तो 2017 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। वो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाला मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है, पहले कौन थे? बासु थे पहले, जो कि वेस्ट बंगाल के थे, और अभी सिक्किम के जो सीएम है पवन कुमार चामलिंग, वो क्या बन चुके हैं? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर देश के बन चुके हैं। डिजिटल भुगतान और नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए कौन से जिले को चुना गया है? तो कौन से जिले को चुना गया है प्रमोट करने को लेकर डिजिटल पेमेंट कैशलेस इकोनॉमी को लेकर? वह है बडगांव। तो बडगांव कहां पर है? JNK के अंदर है। तो उस विलेज को यह चुना गया है इस पुरस्कार के लिए, उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, एक्सीलेंस अवार्ड है ये। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल के अंदर है। यहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्साइज हरिमू शक्ति 2018 जो कि भारतीय आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में हुई है, कहां पर हुई है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है हरिमुआउ जो शक्ति है ना, ये एक्साइज किसके बीच में? भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच में हुई है, और कहां पे हुई है? कोलालंपुर के अंदर हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार 2018 का किसको दिया गया है? तो ये किसके? अक्षय कुमार जी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार किसको मिला है? यह भूमि पाडनेकर को मिला है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस 2018 का कहां पे मनाया जाएगा? तो पहले तो ये हर साल होता था, अभी ये हर 2 साल के अंदर होता है, तो ये कहां पे? वाराणसी के अंदर मनाया जाएगा। डायरेक्टर जनरल प्रेस ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया PIB के कौन बनाए गए हैं? वो है सितांशु खर। सितांशु खर को प्रेस ब्यूरो यानी कि भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए 26वें PC चंद्र पुरस्कार के साथ किसे सम्मानित किया गया है? तो 26वें PC चंद्र पुरस्कार की बात करें तो इंडियन म्यूजिक के लिए किसको? आशा भोसले जी को यह अवार्ड दिया गया है। WBC एशियन बॉक्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये हमने डिस्कवर किया था, नीरज गोयट वो पर्सन है जिनको यह अवार्ड मिला है। 15 दुनिया की मोस्ट प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर है ये आपको बताना है। तो ये हमारे बड़े ही बेकार न्यूज़ थी हमारे देश के लिए कि दुनिया के जो सबसे 15 प्रदूषित शहर है उसमें से 14 हमारे देश के हैं, तो ये बहुत ही खराब न्यूज़ है। कौन कौन से हैं?
नंबर वन पे कानपुर है, फिर फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जयपुर भी 12वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है दुनिया की। चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई निवेश सीमा क्या है। तो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो सीनियर सिटीजन के लिए प्रधानमंत्री जो व्यय वंदना योजना है इसके अंदर कितनी करी गई है, 15 लाख रुपए करी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यू चेयरमैन आपको बताना है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो ये सुभाष चंद्रा खुंतिया है, यानी कि एस सी खुंतिया, जो कि IRDAI के चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण भूमि स्वामित्व दस्तावेज ऑनलाइन जारी करने वाला कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है और इस पर डिजिटल हस्ताक्षर वैध माने जा रहे हैं। तो ये कौन सा स्टेट है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, जिसने जिसको क्रूशियल लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन और डिजिटल सिग्नेचर वैलिड किया है वहां पर। तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचरिस्टिक रेसिलियंट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ AIIB हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो AIIB के भविष्य साथ में डिजिटल बुनियादी ढांचे पर चौथा क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये कहां पे किया गया है, ये बैंगलोर के अंदर किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, बैंगलोर, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में कौन सी कंपनी के साथ में नीति आयोग ने साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ताकि वो क्रॉप को यील्ड को प्रिडिक्शन मॉडल बना सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और रियल टाइम एडवाइस दे सके फार्मर्स को, ठीक है। तो किस कंपनी के साथ नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जिलों में किसानों के वास्तविक समय पर सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के लिए SOI पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सी कंपनी के साथ में किए, नीति आयोग ने IBM के साथ में किए हैं, ताकि क्या कर सके, किसानों की मदद कर सके। एशियाई विकास बैंक की 91वीं वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो मीटिंग है, ठीक है, वो कौन सी सिटी में करी है, वो मनीला के अंदर करी गई। मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस के अंदर है। ADB का जो हेडक्वार्टर है वो भी मनीला के अंदर ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तकाई को नकाई उसके कौन है, प्रेसिडेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले AIIB की बात करी थी अपन ने, तो AIIB की बात करें तो इसके कौन है, जिन लिकन कौन है, इसके प्रेसिडेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना, और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेशन हैज बीन अवार्डेड फर्स्ट प्राइज फॉर डिपिक्टिंग द बेस्ट आर्ट एंड रिफर्बिशिंग इटसेल्फ एज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेशन अक्रॉस इंडियन रेलवेज। तो कौन सा स्टेशनों को सर्वश्रेष्ठ कला का चित्रण करने और भारतीय रेलवे के सबसे सुंदर स्टेशन के रूप में खुद को नवीनीकृत करने के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है। तो पहला पुरस्कार किसको मिला है यहाँ पे, यह बलहार्श एंड चंद्रापुर स्टेशन को मिला है, ठीक है। अगला है कि हु इज द कन्वेयर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दैट विल कंसिडर द इश्यू रिलेटिंग टू द इंसेंटिवाइजिंग डिजिटल पेमेंट इन द GST रिजिम। तो मंत्रियों के समूह का संयोजक कौन है जो GST शासन में डिजिटल भुगतान कर को प्रोत्साहित करने से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगा। तो कौन विचार करेगा, सुशील कुमार मोदी को बनाया गया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कन्वेयर, जो कि जो इश्यू होंगे GST के अंदर पेमेंट को लेकर, उसको लेकर ये क्या बने, हेड वहां पे बने हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मई से थे। उम्मीद है आपको काफी हेल्प करेंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर। तो इसी तरीके से चैनल को हमेशा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।